देख रहे थे वीडियो में। बहुत दिनों बाद ग्राउंड में वापस, लगभग 10 दिनों बाद। शादी आ गई थी ना बीच में, इसलिए सब छूट गया था। तो एक भैया मिलने, भाई क्यों नहीं आ रहे थे यार इतना दिन से, एक 10 दिन से सो रहे थे क्या भाई, क्यों नहीं आ रहे यार, डबल मोटे हो गए। बोले हाँ भैया डबल मोटे हो गए। को जवाब देते देते तो मेरा पूरा वो हो गया है कि भाई कहाँ थे हम इतने दिन से। तो हाँ सही बात भी है, घर पे थे इतने दिन से, आलस कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो ठीक रहे ना, जैसे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है वैसे ही बर्थडे का रेजोल्यूशन ले लें, पतले होने का, जो ये मोटापा चढ़ा है उसको कम किया जाए, एप्स अभी बनाया जाए, क्या क्या रहेगा रेजोल्यूशन में आपको जरूर बता देंगे हम। तो बर्थडे तो परसों है 3 मई को, और अभी तो चलते हैं। भैया लोग देख रहे हैं कितने दिन बाद आया फिर भी क्या कर रहा है, मोबाइल लेके एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। फिर पूछ लेंगे भाई क्या मोटापा और डबल करना चाह रहे हो क्या। पहले दिन के हिसाब से तो बहुत कर लिए हैं, अब घर चलते हैं। एक्सरसाइज करने से तो होगा नहीं, और आज से डाइट भी एकदम स्ट्रिक्ट रखेंगे हम, बाहर का तो एकदम नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो हम ब्लॉग में बताएंगे, तो आप कमेंट करिएगा क्यों खाए भाई। इधर कुछ दिन एक्सरसाइज कर लें बस मजे से, 30-35 दिन में कुछ वजन, मतलब कितना कुछ वजन कम कर लें, तो फिर उसके बाद हम जिम ज्वाइन करेंगे। एक हेल्दी थोड़ा शरीर हो जाएगा तब जिम ज्वाइन करेंगे। अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं ना, तो एक दोस्त से फोन करके पूछ लेते हैं क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके साथ खेलने चले जाते हैं। उसको फोन करके पूछना होगा, अपनी कॉलोनी के पास खेल रहा होगा। बात हो गई मेरी उससे, अभी खेल नहीं रहा है क्या, सोया हुआ है। आलसी एक नंबर है, कभी हमको 5 बजे फोन कर देगा, बोला भाई तुम उठाए क्यों नहीं, तुम आए क्यों नहीं सुबह 5 बजे, और आज सोचिए 8:30 बजे फोन करे सोया है। और अब मेरा वेट भी ओवर हो गया, KGF 2 के लिए जेटर में नहीं रुकेंगे। मेरे पास पिक्चर आ गया है ऑनलाइन के, तो फोन पे ही देख लेंगे, KGF 2 भी देखेंगे, RRR देखेंगे, और बाकी सब तो रद्द मूवी आई है, हीरोपंती वगैरह सब रद्द है, उसको देखने मतलब नहीं है। तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी नहा धो के ना नाश्ता किए थे, मेरे चाचू बनाए थे मूंगलेट वाला, बेसन और मूंग का मिक्स करके वो बनता है ना चपाती टाइप का, ऑमलेट टाइप का, मूंगलेट कहते हैं वो, ब्रेड के साथ बनाए थे, तो वो खा। आज एक्सरसाइज किए थे ना, हम सुबह कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन बन गया, संडे था ना तो इसलिए खा लिए। तो जैसा कि आज से डिसाइड किए हैं कि बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मेरे घर के जस्ट बगल में ही जो फास्ट फूड वाला कॉर्नर है, जहाँ पे चाइनीज, जहाँ का सबसे ज़्यादा चाइनीज हम ही खाते होंगे, वहाँ का चिली पनीर, चाउमीन और मंचूरियन, ये सब चीज़ खा खा के सारा मेरा वजन बढ़ा है। बस उसी चीज़ पे कंट्रोल करना है, वहाँ से महक तो आ ही रहा है, उसी शाम के समय में ना वहाँ से महक आता है बहुत खतरनाक, अभी भी आ रहा है, अभी लग रहा बना रहा है। सुबह अभी पेट तो भरा है, अभी कुछ नहीं खाएंगे, अभी चलते हैं अपना बुक वगैरह पढ़ लेते हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं लेने का सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा बर्थडे गिफ्ट खरीदूंगा और सीखूंगा उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, क्या रहेगा वो आप आगे ब्लॉग में देख लीजिएगा। अगर लूंगा तो आगे दिखा दूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा मैं क्या लेना चाह रहा हूँ। नाउ लेट्स गो एंड स्टडी, और हमको शायद दुकान जाना पड़ जाए। तो 5:30 बज गए हैं, और दोपहर में मैं ना एडिटिंग करते हुए पूरा दिन दोपहर बिताया, तो मैंने ना यूकुलेले लेने का डिसाइड किया है, सोच रहा हूँ यूकुलेले लेने का या तो फ्लूट, इन दिनों में से कुछ एक। तो अभी शाम को तो नहीं, शाम को जाएंगे शायद जाएं प्राइस पता करने, वरना कल चल के लेंगे। दोपहर में क्या है ना कि वीडियो बनाए तो निकल नहीं सकते, तो एडिटिंग कर लेना ही सबसे बेस्ट होता है। अभी निकले हैं ब्रेड लेने, और ब्रेड इस बार सोच रहे हैं ना कि मल्टीग्रेन वाला ब्रेड होता है ना वो सब लें, वरना हम हमेशा मैदे वाला लेते थे। और हर तरीके का ब्रेड का दाम बढ़ गया है, बेकरी का दाम, हर चीज़ में बढ़ गया है, चाहे आप कुछ भी लीजिए, अब वो 50 के आसपास हो गया, जो पहले 25-30 का मिलता 50 का हो गया। क्योंकि बाहर का खाने से अच्छा तो मैं अपना ब्रेड पे कुछ लगा खा लूँ, थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा, बाहर का खाने से भी बचेंगे ना। जैसा कि बताए, बगल से इतना खतरनाक खुशबू आ रहा है, खाने का मन कर रहा है मेरा। तो जब अभी आ रहे थे ना, तो उनसे तो हम जो बगल में बनाते हैं फास्ट फूड वाले, उससे तो बोलते हुए भैया आपका खुशबू तो मेरा पेट खराब कर देगा, मतलब हमको बस उनके यहाँ से गुजरने में लालच आ गया बोल खाने में।
ये होल ग्रेन वाला तो नहीं मिला, ये वाला व्हाइट ब्रेड वाला ही ले आए हैं। ठीक है, तो एक दो स्लाइस खाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत है। अभी थोड़ा ना खाना को डांट दिए हैं क्योंकि कल का होमवर्क सर को दिए, सर दिए हैं, कुछ नहीं किया है कल से, मतलब मजा कर रहा है खाली। तो बोले भाई थोड़ा बैठ के कर लो, आधे घंटे से बोल रहे थे। तो एक छापड़ उनको थोड़ा सा पड़ा है, तो नाराज है। लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। तो होमवर्क हो गया? हाँ का ना, क्या हुआ, मुँह लटके होगा, कोई मारा गया? अच्छा छोड़ो छोड़ो। तो अभी हवा इतनी अच्छी चल रही है कि आप देख रहे हो बाल उड़ रहा है मेरा। दिन भर गर्मी रहता है लेकिन शाम को, कल से शाम को हवा इतनी अच्छी चलती है, मेरा मन तो करता है यहीं पे गद्दा नीचे से ले आकर बिछा लूँ, मच्छरदानी लगा के यहीं सो जाऊँ। बचपन में तो सोते थे, आप सब भी सोते ही होंगे, लेकिन एसी कूलर लग जाने के बाद छूट गया सब आदत। हम लोग सोते थे, मेरे पापा, हम, मम्मी जब छोटे थे एकदम, हम तब यहाँ हम लोग छत पे सोते थे, जब उस समय जब लाइट कम रहता था, रात रात भर कटा रहता था। अब तो लाइट हर समय रहता है। फोन गिर गया यार हवा से, ऐसे इसका स्क्रीन गार्ड फूटा हुआ था और गिर के बच गया, कुछ हुआ नहीं। इतना तेज हवा चला, सोचिए फोन गिर गया, मेरा बाल देख रहा। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है, आप में से जितने लोग ऐसा करते होंगे वो नोटिस करेंगे, कि जब चांद की रोशनी होती है, सिर्फ रात में चांद की रोशनी में रहने से एक बहुत पॉजिटिव वाइब आता है, एक अच्छा लगता है। मैं अगर दिन भर भी मेरा कुछ खराब बीता है, शाम को खाना खाने के बाद छत पे आ जाइए, अभी तो सिर्फ वीडियो बनाने के लाइट ऑन किए हैं, सिर्फ चांद की इतनी अच्छी रोशनी रखती है ना, एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आपका भी होता होगा। अभी तो आई कैन सी कि आ रहा है, एक बारात आ रहा है सामने बगल में से ही, लग रहा है पास में लॉन है ना, वहाँ पे शादी पड़ी है, तो बारात जा रहा है। शायद अगर मेरे घर के सामने जाएगा तो 10 मिनट उसमें भी टाइम पास होगा। बारात देखने बड़ी मजा आता है, मतलब कैसा बारात है भाई, कौन कैसे कैसे डांस है, कौन सा गाड़ी है, कैसा दूल्हा है, सब देखते रहते हैं लोग। भाई जज करने वाले लोग तो बैठे ही है, जज करते हैं बैठ के, और क्या। ये आके हमको एकदम डरा दिया पीछे से आके, हम अकेले थे छत पे आके। वीडियो के पीछे ही थे, वीडियो पॉज करके फिर से देखो ना, वीडियो में थे तुम? हाँ वीडियो में थे, पीछे वहाँ पे गेट पास करके वीडियो। अभी हवा इतना तेज चला था ना, फोन गिर गया, धड़ से गिरा ऐसे, बस समझ लीजिए बच गया मेरा फोन, स्क्रीन गार्ड पहले से टूटा हुआ है। वीडियो पॉज करके फिर से देखो, हम यहाँ पे ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे खड़े दिख रहे थे वीडियो में। वीडियो आप अगर दिखा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ये दिखा था आपको? देखिए ऐसे करके थे, धीरे धीरे तुम वीडियो चलाते कर रहे थे ना, ऐसे तुम्हारे पीछे आते थे। ओम बरात आ रहा है, पता ही नहीं था। Amazon Netflix का सब्सक्रिप्शन बेकार है, 10 मिनट बारात देख के मजा आ जाता है ना। अगर और बड़ा बारात हो, हजारों लोग उसमें हो तो वो, हाँ दौड़ गया। ये किसको किसको ये याद है, बचपन में से बहुत खेले हैं, दौड़ था, दौड़ वहाँ से ऐसे करके घूम गए यहाँ पे। आज ये देखिए पूरा ऐप निकाल के ही रहेगा, निकाल पूरा ही निकाल के रहेगा, करने तो आता है नहीं, हमको नहीं आता, हमको गाना गाना क्या बज रहा है, का या? गाना का जब कुछ बज रहा है, भोजपुरी गाना, क्या लहर रहा है, देखिए कितना सही लग रहा है। सो दिन खत्म हो गया, दैट वाज सो दैट वाज आवर डे, खाना उधर देख लो। अरे मोबाइल नीचे क्यों पड़ा हुआ था पहले? सो That was our day. अच्छा लगा तो आप तो जानते हो क्या करना है, hit that like button, subscribe कीजिए चैनल को, दोस्तों को दिखाइए, और अगले वीडियो के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए।